कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है। एक दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, मेल एंड फीमेल, गैमेट्स फॉर्मेशन होना चाहिए, देन जायगोट फॉर्मेशन होना चाहिए और तब एम्ब्रॉयो या फिर प्रोजनी या फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो इसमें बता रहा है जो गैमेट्स बनेंगे या फिर वो सेम इंडिविजुअल से बनेंगे, तो ऐसा इंडिविजुअल जो कि मेल फीमेल दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करे, तो ऑब्वियसली वो जो इंडिविजुअल होगा वो हर्माफ्रोडाइट नेचर का होगा या फिर अपोजिट सेक्स की होने चाहिए, जैसे मेल से मेल गैमेट मिला और फीमेल से फीमेल गैमेट। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके का होता है, एक मेल गैमेट होता है जो कि मेल से आता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट जो कि फीमेल से आता है उसे ओवा कहते हैं। जब इन दोनों का, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो जायगोट बनता है। जायगोट वेरियस डिवीजन या फिर कहिए क्लीवेज अंडरगो करता है और फिर एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन होता है। जायगोट से एम्ब्रॉयो बनता है तब वेरियस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जैसे मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और फिर वो लेटर एम्ब्रॉयो में डेवलप होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो लिखा है इट इज़ एन एलैबोरेट, मतलब बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि डिफरेंट डिवीजन होता है, डिफरेंट स्टेजेस आता है, तो बहुत ही एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पर कोई ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट में नहीं होती है और वो बहुत ही ईजिली हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। बट यहाँ पे चूँकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ये जो इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, एलैबोरेट होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्या है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्फ। क्योंकि इसमें फ्यूजन हो रहा है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेल से मिल रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फीमेल से मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग इंडिविजुअल के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी है मेल से मिल रहा है या फीमेल से मिल रहा है वो सब क्या हो रहा है, शफल हो रहा है। तो रैंडमली कोई भी नेचर या कैरेक्टर मेल का आ सकता है और फीमेल का आ सकता है। तो ये जो प्रोजनी होगा वो वैरी करेगा अपने पेरेंट्स से, वेरिएशन होगा, और ये बहुत ही प्लस पॉइंट भी है। अगर हर इंडिविजुअल एक जैसा होगा तो अगर किसी इंडिविजुअल में कोई तरह का बीमारी है या फिर कुछ भी रिसेसिव कैरेक्टर्स है जो कि मतलब अच्छा नहीं है, तो वो आगे पास ऑन होते जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशन होगा तो वो वेरिएशन बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी रेजिस्टिव भी होता है, हम लोग कोई टेम्परेचर को या फिर कुछ इस तरीके के चीज़ों को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। तो वेरिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं मिलता है। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। मतलब ये जितने भी डाइवर्स अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या फंजाई हो, उनके एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक जैसा है। वो सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो obvious सी बात है, कोई भी organism birth लेते ही reproduction नहीं करता है. उसमें stability आना चाहिए, maturity आना चाहिए, तभी वो reproductive phase के across होता है. तो वैसे period को हम लोग क्या कहते हैं? Juvenile phase कहते हैं. That period of growth is called the juvenile phase. और वैसे growth को, वैसे phase को जब organism इतने level की maturity को attend कर लेता है कि वो reproduction कर सके, तो वैसे phase को juvenile phase कहा जाता है. It is known as vegetative phase in plant. Plant की case में से vegetative phase कहा जाता है. This phase is of variable duration in different organism. अलग-अलग organism vary करता है. जैसे अलग-अलग organism में lifespan vary होता है, वैसे ही ये जो वेजिटेटिव फेस या फिर जुवेनाइल फेस है वो भी वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेस विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेस कैन बी सीन ईजली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर. तो जैसे ही जुवेनाइल फेस खत्म होता है वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेस स्टार्ट होता है, और ये बहुत सारे हायर प्लांट्स में देख भी सकते हैं. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? In some plant where flowering occurs more than once, what would you call the inter-flowering period, juvenile or mature? ऐसे plants जिसमें flowering जो है वो एक बार से ज़्यादा होते हैं, मतलब season to season flowering होते हैं, तो उसको आप mature कहिएगा या फिर juvenile? तो obviously mature कहेंगे, जब एक बार flowering हो चुका यानी वो maturity के stage को attain कर चुका, तो अब उसमें 10 बार भी flowering हो तो वो already mature है. Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? हाँ, obviously सारे जो flowers होते हैं वो एक ही समय नहीं होते हैं, अलग अलग seasonal होते हैं, season to season vary करते हैं. तो इसलिए जो mango, apple, jackfruit होता है ये हम लोग seasonally खाते हैं. जैसे गर्मियों में ही mango मिलता है, तो इस तरीके के जो fruits हैं वो seasonal flowering के कारण हमें मिलते हैं. आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सालों साल हमेशा मिलते हैं और कुछ ऐसे जो सीजनली मिलते हैं. बिल्कुल है, आप देख सकते हैं. प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस. ऐसे प्लांट्स जो कि एनुअल मतलब एक साल में फ्लावर करते हों, जो पूरे एक साल में फ्लावरिंग करते हैं उसे एनुअल कहते हैं, और बाइनियल जो साल में दो बार करते हैं, बाई इज़ यूज्ड फॉर टू टाइम्स. तो वैसे प्लांट जो कि एनुअल है और बाइनियल टाइप्स के हैं उसमें आपको वेजिटेटिव फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और सेनेसेंट. वेजिटेटिव जो कि मैच्योरिटी अटेंड करने वाला फेस है, रिप्रोडक्टिव जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, और सेनेसेंट जिसमें ओल्ड स्टेज को कहते हैं. तो ये सारे स्टेजेस बहुत ही क्लियर एंड कट देखने को मिलते हैं एनुअल और बाइनियल टाइप ऑफ प्लांट्स में. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. लेकिन वैसे species जिसमें बहुत बार flowers आते हैं और आते ही रहते हैं throughout the year, तो उसमें बहुत ही difficult होता है ये सारे phases को देखने के लिए. Few plant exhibit unusually flowering phenomenon. Some of them such as bamboo species flower once in their lifetime. Bamboo species पूरे lifetime में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स. प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई. और एक मतलब 50 to 100 ईयर्स में वो एक ही बार फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है एंड देन डाई. अनदर प्लांट स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसे हम लोग नीला कुरंजी भी कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, जो कि 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं. एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 2006 में फ्लावर किया था लास्ट. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु टू ब्लू स्ट्रेचर्स एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. मतलब ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है नीला कुरंजी, ये बहुत सारे लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज में देखने को मिला, जैसे केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, पूरे जगह ये
फैले हुए था, ठीक है। इसके बाद लिखा है इन एनिमल जुवेनाइल फेस इज फॉलोड बाय मोर्फोलॉजिकल। जो जुवेनाइल फेस होता है इसमें क्या होता है, मोर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब अंदर से भी चेंजेस होते हैं बॉडी में एंड एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ये रिप्रोडक्शन होने से पहले के चेंजेस होते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज भी जो है वो वैरी करता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब इससे पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन फेज अटेंड करने में मेल में और फीमेल में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मेल में अपीयरेंस ऑफ मेल में और फीमेल में दोनों में अपीयरेंस ऑफ हेयर, मेल में अपीयरेंस ऑफ मुस्टेचस होते हैं, बियर्ड्स होते हैं, फीमेल में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं लाइक इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फिर शार्पनिंग ऑफ द वॉइस, ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल एंड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जुवेनाइल फेस में होता है, ठीक है। देखिए बुक के साइड में मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, जैसे एनुअल प्लांट्स होते हैं वैसे प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स कहते हैं जिसका लाइफ साइकिल जो है वो 1 ईयर में कंप्लीट होता है, मतलब वो जितने भी फेसेस होते हैं वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस, जितने भी फेजेस होते हैं वो सब 1 ईयर में कंप्लीट होता है और ये क्लियर कट विजिबल होता है, देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल है ब्रिंजल, वीट, राइस, ग्राम, ठीक है। फिर बाइनियल प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं जिसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है वो 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है, जैसे कि रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, इस तरीके के प्लांट्स को कहते हैं। फिर जो पेरिनियल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं उसमें जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है मेनी ईयर्स में, ठीक है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया और फाइकस हो गया। फिर देखिए आगे लिखा है अमंग एनिमल फॉर एग्जांपल बर्ड डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इज इट अ सीजनल फिनोमिनन। मतलब जो बर्ड्स है वो पूरे साल में कभी भी एग्स को ले करती या फिर एक सीजनल फिनोमिनन होता है, एक स्पेसिफिक सीजन में ही ले करती है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड। लिजर्ड और फ्रॉग्स के बारे में क्या कहिएगा आप। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। मतलब जो नेचर में रह रही है, जो खुले में रह रही है, वैसे जो बर्ड्स होते हैं वो सीजनली ही एग्स को ले करते हैं। हाउ एवर बर्ड इन कैप्टिविटी, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड्स को रखा जाता है, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। उनसे कभी भी एग्स जो है वो ले करवा सकते हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलीज्ड रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि इसको हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। मतलब ये एक खराब है, ये एक गलत तरीका है एग्स को ले करवाने का। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जो भी मैमल्स में फीमेल्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन के दौरान उनकी ओवरीज में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं और हार्मोन्स के लेवल में भी चेंजेस होते हैं एज वेल एज एसेसरी डक्ट्स, फीमेल का जो डक्ट है उसमें भी ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एट्सेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल, वेयर एज इन प्राइमेट, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले तो आप प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे प्राइमेट्स कहते हैं, जैसे मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 1 मंथ में होता है। और ऑस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उसमें जो इस तरीके के साइकिल होते हैं उसे ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जैसे कि काउज में, शिप में, रैट्स में, डियर्स में, डॉग्स में, टाइगर में एट्सेट्रा। फिर आगे लिखा है मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं चाहे वो नेचुरल रहे या वाइल्ड कंडीशन में रहे, उसमें ऐसे जो साइकिल्स होते हैं वो फेवरेबल सीजन में ही
होते हैं, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं। और वैसे ब्रीडर्स जो थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स, जो कि कभी भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। क्या आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।